पहले स्टेप वन, हाउ टू लॉग इन। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप क्लास चालू करना चाहते हैं, एंड देन उसी मोबाइल नंबर पर आपके OTP सेंड होगा। देन आपको यहाँ पर OTP फिल करना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। आपके सेम नंबर पर OTP आएगा, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, स्टूडेंट का नेम फिल करना है, जो भी स्टूडेंट का नेम है यहाँ पर फिल करके वो उसको सेव करना है। सेव करने के बाद अगर कोई कोड है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज स्किप। और फिर मीडियम में आपको इंग्लिश या हिंदी चूज करना है और स्ट्रीम में स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके होम पेज पे आ जाते हैं। देन आपको यहाँ पर अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है और फिर इसमें आपको पिन कोड डाल के सिलेक्ट हो गया आपका एड्रेस। अभी आपका होम पेज ओपन हो जाता है तो जिसमें आपको सारा शो होगा। देन स्टेप टू, हाउ टू ज्वाइन लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए माई कोर्स पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपका बैच आ गया, बैच में लेट स्टडी पे क्लिक किया। देन आपकी यहाँ पे टाइमिंग लिखी होती है कि किस टाइम से किस टाइम तक होगी क्लास, उस पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लाइव क्लास से ज्वाइन हो जाते हैं। उसके बाद इन्फो और रिसोर्स, और उसके बाद आता है लाइव चैट। कोई भी आपको कमेंट करना है लाइव चैट पे क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कमेंट किया, ठीक है, आज डाउट में आपके पास टाइम आएगा, इसमें डाउट रिक्वेस्ट सेंड करके आप टीचर के साथ एज अ वीडियो कॉल ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे ये अभी मेरा हुआ ज्वाइन, ठीक है, सबको शो हो रहा है इसमें डाउट क्लास के बाद। इसमें अब सेकेंड ऑप्शन आता है पोल का। उसके बाद पोल में क्या होगा आपका, अगर कोई भी ऑप्शन आते हैं, अगर आपके पास ABCD, तो उसके लिए आपको पोल पे जाना है। जैसे मैंने सी ऑप्शन चूज़ किया, एंड देन 10 सेकेंड का मेरे पास टाइम है, 10 सेकेंड में मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आ गया मेरा सी करेक्ट आंसर, और इसमें टाइम भी आ गया कितने टाइम में दिया। देन रेटिंग करनी है क्लास को, 5-स्टार रेटिंग। इसमें आप अपना रिव्यू ऐड कर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी जो भी आपका है, और उसको सबमिट कर देंगे। ये नीचे मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद सेकेंड लास्ट ऑप्शन आता है आपका रिपोर्ट। अगर आपको कोई भी क्लास में कोई भी इशू है, देन आप उसको इसमें लिखेंगे, ठीक है, जो भी है आपका कमेंट करके इसमें, फिर वो आप उसको हमें दे देंगे, इसमें सबमिट कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा और फिर हम उस पर वर्क करके उसे ठीक कर देंगे। लाइव क्लास ऐसे ज्वाइन करनी है। थर्ड स्टेप आता है हाउ टू ज्वाइन रिकॉर्डेड क्लास। उसमें भी सेम माई कोर्स पर आपको जाना है। उसके बाद अपने कोर्स पर लेट स्टडी करना है। लेट स्टडी, ये देखिए, जैसे मेरा कोर्स है, इस पे लेट स्टडी किया मैंने। देन लेक्चर, जिस भी सब्जेक्ट का देखना उस सब्जेक्ट पे क्लिक किया। लेक्चर वीडियो में आपकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आती हैं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके रिकॉर्डेड वीडियो स्टार्ट हो गई हैं। देखिए, जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो है मेरी, ये स्टार्ट हो गई। उसके बाद नोट्स और DPP कैसे देखेंगे, तो नोट्स के लिए नोट्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से अपना नोट्स डाउनलोड किया, डाउनलोड हो चुका है। ओपन करेंगे, यहाँ पे मेरे सारे नोट्स ओपन हो गए, ठीक है। नोट्स आपको सारे ऐसे ओपन करने हैं। साइड में ही DPP का ऑप्शन है, DPP भी मैंने डाउनलोड की, ठीक है, वो डाउनलोड होगा, आपको ऊपर शो होगा। डाउनलोड होने के बाद ही ये मेरी DPP भी ओपन हो गई है, जो है डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें डेली के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है आपका हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट, स्टेप 5। तो इसमें आपको टेस्ट आएंगे, स्टार्ट टेस्ट करके आपको अपना टेस्ट ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपने अपने आंसर जो भी है वो सबमिट किया, देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितना डिफिकल्ट था, और लीडर बोर्ड पे आपका स्कोर आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ में से, इतने मैंने अटेम्प्ट किए, और कौन सा सही था और कौन सा गलत, राइट। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का। तो अनाउंसमेंट में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, कोई भी क्लासेस से रिलेटेड या आपकी छुट्टी से रिलेटेड जो भी हॉलीडे वगैरह है, तो आपकी वो आएगी।